हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल। और ये स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से प्रोबेबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, देन उसके बाद MGF, CGF और जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं टेस्ट और ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। सो देखिए, इससे पहले मेरा जो ओवरव्यू है, लाइक मैं स्टेट्स में क्या क्या टॉपिक्स लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और B.Sc के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ IIT पे जाके मेरे सभी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको आइडिया देता है कि दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होता है, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर मैं कवर करूंगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और क्या क्या उसके अंदर टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो रैंडम वेरिएबल होता क्या स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच असाइन रियल नंबर टू इच सैंपल पॉइंट्स, मतलब सैंपल स्पेस को रियल नंबर से कनेक्ट करना, नंबर से कनेक्ट करना इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, राइट, है ना। ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक टॉसिंग अ फेयर कॉइन थ्राइस, देन सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट इसका, अगर हम एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं तो इसका जो सैंपल स्पेस होता है हेड 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 टेल हेड टेल देन टेल हेड हेड देन हेड टेल टेल देन टेल हेड टेल देन टेल टेल हेड देन टेल टेल टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है, क्लियर, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स को नंबर ऑफ हेड से डिनोट करते हैं या नंबर ऑफ टेल भी ले सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ हेड, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड क्या आ रहा है, वैसे अगर हम देखा जाए तो नंबर ऑफ जो हेड आ रहे हैं आपके पास, वो अगर मैं आपको इससे नहीं दिखाना चाहूँ तो हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड, यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम कि जो नंबर ऑफ हेड है लाइक सबसे पहले जो पहला जो सैंपल पॉइंट है वो कितना है, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स एस वन, तो x x1 कितनी बार नंबर ऑफ हेड आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। फिर हम बात करें कि यहाँ पे जो s2 है लाइक नंबर ऑफ हेड अगर 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड में 2 टाइम्स कौन कौन से, एक तो ये वाला है सैंपल पॉइंट, ये वाला, ये तीनों सैंपल पॉइंट क्या है हमारे पास s3 और x s4, इन तीनों में नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है लाइक। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ हेड, अगर हम बात करें कि लाइक s5, है ना, और उसके बाद 6 सैंपल पॉइंट और 7 सैंपल पॉइंट में जो नंबर ऑफ हेड है वो कितनी बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है ना। देन हम बात करें यहाँ पे 8 जो सैंपल पॉइंट है उसमें हेड कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। तो हमने क्या करा, जो सैंपल स्पेस की जो पॉइंट्स थे उसको हमने रियल नंबर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड x इज कॉल्ड रियल, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल होता है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्यों होता है, रैंडम वेरिएबल विच टेक्स फाइनाइट एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और मैं शुद्ध भाषा में समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास, मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ कि x इज इक्वल टू, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को, किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को, तो नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट मेरे पास, 0 बार आ रहा है, मैं ले लूँ यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हेड, चलो 0 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.5 बार हेड आ रहा है या 2.3 बार हेड आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हर पॉइंट कवर करे तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। तो वही चीज यहाँ हम समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, नंबर ऑफ हेड ऑफ 10 व्हेन अ टू कॉइन आर टॉस्ड या नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ लॉट। तो कोई भी अगर लॉट है उसके अंदर डिफेक्टिव आइटम इसे दिया तो डिफेक्टिव 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कभी ऐसा नहीं होगा 0.5 डिफेक्टिव, राइट, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो किसके होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के होते हैं, ठीक है। तो ये अभी वही समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ जो एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ही तो आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, लाइक जो आपने ये समझाया है ना, ये आपने क्या करा, इसको इसके साथ कनेक्ट किया। अब क्या करें, ये जो पॉइंट है आपके पास, है ना, लाइक जैसे ये एक्स है, एक्स एस है, तो एक्स एस को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे बात करें हम प्रोबेबिलिटी है ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, फंक्शन बाद में देखेंगे हम। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल लाइक यहाँ देखिए आप, रैंडम क्या, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अब ये तो लिख ही दिया आपने, अब इसकी प्रोबेबिलिटी और साथ में लिख दो, है ना। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रहा है, देखो 0 बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, लाइक 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही केस ऐसा है जिसमें 0 बार हेड आ रहा है, टोटल पॉइंट्स कितने, 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। अब 1 बार हेड, तो 1 बार हेड कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, इन तीन केस में 1 बार हेड आ रहा, टोटल कितने, 8 पॉइंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8 होगी। 2 टाइम हेड,
एक दो तीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 3/8, और 3 टाइम हेड मतलब एक केस हो रहा है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8। कुल मिला के रेंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइक एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड विद द 16 गुड ऑरेंजेस, है ना। हमारे पास 4 बैड ऑरेंज है, वो 16 गुड ऑरेंजेस के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। तो देखो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस कितने हो सकते हैं, 4 मिक्स हुए, तो या तो क्या हो सकते हैं वो 0 हो सकते हैं, या मैं चलो यहाँ नहीं करता हूँ, मैं कहीं और इसको लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को अपन यहाँ करते हैं तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये 16 गुड ऑरेंजेस है, है ना, और इसके अंदर 4 बैड ऑरेंजेस क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब आप इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, क्योंकि बैड ऑरेंजेस का निकालना आपको, है ना, ठीक है। अब देखो अपने पास 16 है, इन 16 में 4 मिक्स हुए हैं, तो जब हम किसी को ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि 0 बैड ऑरेंजेस निकले, या फिर 1 बैड ऑरेंजेस निकले, या फिर 2 निकले, या फिर 3 निकले, या फिर क्या निकले, 4 निकले, ना। तो मैं इसको हटा देता हूं, या फिर क्या निकले आपके पास, यहाँ पे 4 निकले, ठीक है। अब कितने निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, द 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड विद द 16 गुड ऑरेंज, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास की प्रोबेबिलिटी, है ना। अब 0 बैड ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 बैड ऑरेंजेस की कितनी होगी, 2 कितनी होगी, 3 कितनी होगी, 4 कितनी होगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ लिखेंगे, तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा, है ना। तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड विद द 16 गुड ऑरेंजेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ए ड्रॉन ऑफ 2 ऑरेंजेस। मतलब हम 2 ऑरेंज निकाल रहे हैं, उसमें से नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस का आपको क्या निकालना है, सिंपल स्पेस बनाना है, राइट। अब मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट। अगर हम 2 यहां से निकाल रहे हैं और दोनों में से देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बैड ऑरेंजेस 0 निकल रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या निकल रहे हैं, गुड निकल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 16C2 अपॉन टोटल कितने हैं 20, सो 20C2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहां हो रहा है 1 बैड निकले, 1 बैड निकले इसका मतलब 1 क्या निकलेगा, गुड। 2 निकाल रहे हैं, 1 बैड निकले इसका मतलब 1 क्या निकलेगा, गुड निकलेगा। तो 16C1 4C1 20C2, राइट। अब 2 निकाल रहे हैं और दोनों के दोनों क्या निकले, बैड निकले, तो कितना आएगा 4C2 अपॉन 20C2, राइट। अब देखो 3 बैड निकले, है ना, पर भैया हम तो 2 निकाल रहे हैं, तो 3 बैड निकल नहीं सकता ना, 4 निकल सकता, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्टूडेंट आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज आप 12th का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्लियर। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन समझाता हूं, फिर अपन इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इसको हम PMF भी बोलते हैं, PMF, है ना। वैसे बता चुका हूँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही PMF होता है, बट इसको समझ लेते हैं। लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सच दैट PX इज इक्वल टू x इज इक्वल टू PI, देन PI इज सेट टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देन इसकी कंडीशन होती है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, जो भी प्रोबेबिलिटी हो 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसका सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। लाइक एग्जांपल की बात करें, एक कॉइन को हमने अगर 3 बार टॉस किया है तो उसका जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ हेड का 0, 1, 2, 3। इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती है, 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/8, 1 बार आने की 3/8, 2 बार आने की 3/8 और 3 बार आने की 1/8, है ना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी, ये देखो सब प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से बड़ी है, और अगर मैं इन सबको ऐड करूं यहाँ पे, लाइक अगर मैं 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 करूं, तो ये 8/8 दैट इज इक्वल टू 1 आता है। तो ये दोनों कंडीशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इसी को अगर हम कम्युलेटिव फॉर्म में लिख देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन इट्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड एज fx is equal to summation pi, या इसको हम px is less than equal to xi लिखते हैं, या मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं fx
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x 0 और 0 से बड़ा है ना, 0 और 0 से छोटा, जब 0 और 0 से छोटा है तब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी यहाँ पे 1/8 है। नाउ x लेस देन इक्वल टू 1, एक और एक से छोटा, तो एक और एक से छोटा में ये दोनों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 1/8 प्लस 3/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/8, तो ये 4/8 आएगा। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 2, जब लेस देन इक्वल टू 2 है तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/8, 3/8, 3/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे 7/8, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो बताया यहाँ पे कि सैम्पल स्पेस में रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये सब कनेक्टेड है। एक लास्ट एक एग्जाम्पल से मैं आपको इन सब टॉपिक को समझाना चाहूंगा, देन इसको हम खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल, ये जो पूरा कंसेप्ट समझा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स इज लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्स बिटवीन 0 to 5, देन आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए, देन आपसे पूछ रहा है कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, एंड आपसे एक और वैल्यू पूछ रहा है फाइंड द 1.5 लेस देन एक्स लेस देन 4.5 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2, लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो सबसे पहले देखिए आप सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वी नो दैट इफ पी एक्स इज PM है, या ये मास फंक्शन होगा, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, समेशन पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर, तो इन सबको ऐड करेंगे है ना, तो इन सबको ऐड करेंगे, सबसे पहले k स्क्वायर, तो 7 और 2 और 1 कितना हो रहा है यहाँ पे 10k स्क्वायर, देन यहाँ पे k देखिए 2 और 1 3 और 2 5 और 3 9 है ना, प्लस 9k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1, सो यहाँ आएगा 10k² प्लस 9k - 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, लाइक मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 10k² प्लस 10k - k - 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी k + 1 × 10k - 1 = 0, तो एक तो k की वैल्यू आपके पास -1 आएगी, एक k की वैल्यू 1/10 आएगी, बट -1 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है, सो ये 1/10 होगा। इसको हम वापस से लिखते हैं स्टूडेंट, तो k की वैल्यू 1/10 आएगी, इसको फिर से लिख दीजिए आप, और ये आएगा पी एक्स देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, then 6, then 7, और 0.1 रखिए वहाँ पे, तो ये आएगा 0.1, देन ये आएगा 0.1 रखेंगे तो 0.2, देन ये आएगा 0.2, 0.3, 0.01 यहाँ रखेंगे तो 0.02, और यहाँ रखेंगे तो 0.17 आएगा है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट का आंसर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स इज लेस देन 6 है ना, लेस देन 6 का मतलब कितना होता है स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब 6 से छोटा, तो 6 से छोटा क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 - p x > 6 है ना, तो x 6 और 6 से बड़ा तो कितना आएगा 1 - p6 + p7 है ना, तो इसको 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.19, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.81, क्लियर। नाउ इसका एक और वैल्यू देखिए, आपसे पूछा है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसके बड़ा कितना आएगा 6 और 7, तो 6 की वैल्यू आएगी 0.02 प्लस 0.17, तो ये आएगा 0.19। एक आपसे और पूछ रहा है यहाँ पे कि 0 से 5 इसकी वैल्यू देखिए आप, तो 0 से बड़ा कितना है 1, 2, 3, 4, तो इन सब की वैल्यू को ऐड करिए आप, 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.1 है ना, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, देन 0.2, देन 0.3, तो ये आएगा 4 और 3 7, और ये 0.8 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कम्युलेटिव होता है, तो मैंने आपको बताया था कम्युलेटिव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे x लेस देन इक्वल टू 0 पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, फिर x इज लेस देन 1 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 0.1, फिर लेस देन 2 देखेंगे तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ये 0.3, एंड लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे स्टूडेंट तो 3 पे कितना आएगा ये 0.5, देन x इज लेस देन इक्वल टू 4 तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.8, देन लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे तो ये आएगा 0.81,
देन लेस देन इक्वल टू 6 करेंगे तो ये आएगा 0.83 एंड लेस देन इक्वल टू 7 करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी. तो ये इस तरह से इसको हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. देन आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है, लाइक मैं आपको इसका फोर्थ का आंसर देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना. ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है. नाउ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.1 है. देन पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.3 है. देन पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.5. देन पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.8, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी, है ना. ये देखो ना, 0.8 जो एक 1/2 से क्या है, बड़ा है. आपको ये पता लगाना है कि सी की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 से बड़ी होती है. तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 4 होगी, जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से क्या होगी, बड़ी होगी. क्लियर. सो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, फिफ्थ वाला. आपसे पूछ रहा है कि इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालो. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी होती है. तो ये ए और ये बी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है. पी 1.5 से 4.5 है ना, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 2. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पी 1.5 से 4.5 इंटरसेक्शन एक्स इज ग्रेटर देन 2 है ना, ये लेंगे, डिवाइडेड बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन 2 करेंगे. अब देखो यहाँ पे 1.5 और 4.5 से छोटा क्या होता है, मतलब बीच में क्या वैल्यू होती है. तो बीच में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है और एक 4 होती है. देन इंटरसेक्शन 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है और 7 होता है. डिवाइडेड बाय इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं. नाउ इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास 3 और 4. तो 3 और 4 होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, पी 3 प्लस पी 4 इंटू 1 माइनस 2 से छोटा कितना होगा स्टूडेंट, पी 0 प्लस पी 1 प्लस पी 2 है ना. तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो पी 3 प्लस पी 4, तो पी 3 प्लस पी 4 इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये आएगा 0.2 प्लस 0.3 1 माइनस है ना, 0 की वैल्यू तो 0 है. देन ये आएगा 0.1, देन ये आएगा आपके पास 0.2. तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 अपॉन ये 3 में से 1 गया तो 0.7, दैट इज इक्वल टू 5/7 इसका आंसर आएगा. तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इवेंट की यहाँ पे डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. इसके बाद स्टूडेंट लूंगा मैं यहाँ पे कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या है और क्या डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा. उसके बाद फिर हम बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल और मोमेंट्स की बात करेंगे, एमजीएफ की बात करेंगे. तो स्टूडेंट बने रहिए यहाँ पे और मुझे लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको पूरा हेल्प कर रहा होगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक. और मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे और आपका जो ये मेहनत है मेरी और आपकी, ये ज़रूर एक दिन अच्छा रंग लगाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच.